हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैश फ्लो के अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स आते हैं प्लस बैलेंस शीट की जो आइटम्स आती हैं उनको कैसे डील किया जाए। हमने फॉर्मेट बैलेंस शीट कैश फ्लो जो पूरा फॉर्मेट है उसके लिए आप अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब अगर मैं सम शुरू करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगी? फिक्स्ड एसेट्स। ये नोट्स इतनी इंपॉर्टेंट है, नोट्स गो थ्रू कर गए तो आपका कोई भी एडजस्टमेंट बचे ऑलमोस्ट पूरा समय उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट में सबसे पहला पार्ट आएगा विदाउट एडजस्टमेंट। अगर विदाउट एडजस्टमेंट है तो कैश फ्लो चैप्टर के अंदर बेसिक अपना लॉजिक ऑन रखना है और वी विल बी एबल टू आंसर। अगर फिक्स्ड एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, व्हाट दैट मींस? फिक्स्ड एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, व्हाट दैट मींस? उसका मतलब हुआ हमने एसेट क्या की, परचेज। फिक्स्ड एसेट का बैलेंस तभी बढ़ेगा, और परचेज किया तो उसकी इफेक्ट कहां जाएगी, इन्वेस्टिंग में से माइनस। इन्वेस्टिंग में से क्या होगा, माइनस। क्लियर है? अगर वही फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो रही है, सो व्हाट दैट मींस? डिक्रीज जब होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं उसको सेल भी मान सकता हूं, उसको डेप्रिसिएशन भी मान सकता हूं। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी विल ऑलवेज अज्यूम इट एज अ डेप्रिसिएशन। और अगर वो डेप्रिसिएशन है तो उसकी सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगी, इट विल बी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है? सो ये तो हो गया विदाउट एडजस्टमेंट। नाउ सपोज देयर इज अ एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट तो क्या बनेगा, फिक्स एसेट का क्या बनेगा, लेजर बनेगा। ठीक है, ये हमने विदाउट एडजस्टमेंट, देन विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट तो फिक्स एसेट का लेजर बनेगा। अब दुनिया में कोई भी लेजर बनता है, नॉट अबाउट दिस, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें लेजर बनाने आएंगे, तो हम बेसिक लॉजिक से चलेंगे। एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। देन तीन ही ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन। परचेज किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। तो यहां पे आएगा टू बैंक परचेज, और अगर सेल और डेप्रिसिएशन किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड, गोइंग आउट बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक सेल बाय लॉस, और इन केस प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरफ आएगा, टू प्रॉफिट। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी, एंड दिस कंप्लीट्स द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बहुत सिंपली अपने में देखना है, एसेट साइड। एसेट है तो कम सीन है तो डेबिट, परचेज किया तो डेबिट, सेल किया तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन किया तो क्रेडिट। और फटाफट इसी सेकंड इफेक्ट देख लें, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस। सेल किया कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस। लॉस किया कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस। परचेज किया कहां आएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस, और प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग में माइनस। क्लियर है? सो वंस ये फिक्स एसेट में, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, वो अलग से और अभी हम सीखेंगे। ये क्लैरिटी है। अब इसमें एसेट साइड में फिक्स एसेट के बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एज गुड एज फिक्स एसेट।
सिर्फ उसमें एक चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो मैं कई बार ये लिखता हूं फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। चेंज क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे, डिक्रीज होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, सेल। कब मानेंगे, जब इन्वेस्टमेंट है, मतलब फिक्स एसेट की जगह इन्वेस्टमेंट है तो डिक्रीज होगा, तो इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, तो उसको हम क्या मानेंगे, सेल। सेम वे फिक्स एसेट की जगह इन्वेस्टमेंट का लेजर है तो सेम वे बनेगा, सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, डेप्रिसिएशन स्किप हो जाएगा, अदरवाइज फिक्स एसेट इज डन, इन्वेस्टमेंट इज डन। क्लियर टू लियर? नाउ फिक्स एसेट का लेजर मेरे को आ गया, इन्वेस्टमेंट का लेजर आ गया मेरे को, नाउ एसेट साइड अगर देखूं तो उसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बचती है, सो वी आर डन विद द एसेट साइड। मैं पूरी बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो एसेट साइड कंप्लीट हो गया। वी गो टू लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, इन सब के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो वो तो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज परचेज सेल के बारे में होता है। तो अगर मैं उनकी बात करूं, सो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन्स, डिबेंचर्स, इन चारों की अगर बात करूं, सो इसमें यूजुअली एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट होंगे तो इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए होंगे, और इंटरेस्ट और डिविडेंड हम अलग से समझेंगे, बट अभी के लिए इंक्रीज इन बैलेंस का मतलब क्या हुआ, हमने शेयर या डिबेंचर क्या किए, इश्यू किए, और इश्यू किए तो पैसे आए, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विटी, ये सब कुछ किसमें जाएगा, फिनांसिंग में, प्लस पैसे आए। उसका उल्टा डिक्रीज इन बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज रिडेम्पशन, या उसको मैं कहता हूं रीपेमेंट, और इसका होगा फिनांसिंग में माइनस। आर विद मी, क्लियर है, श्योर? और इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट होगा उसकी इफेक्ट किसके ऊपर आएगी, इंटरेस्ट और डिविडेंड के ऊपर, वो पॉइंट हम अलग से समझने वाले हैं। नेक्स्ट कम्स अप इज, अब मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं तो इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, लोन हो गया, डिविडेंड हो गया, उसकी बात आता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल के अंदर चला जाएगा, बट उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, वो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अगेन विदाउट एडजस्टमेंट, तो विदाउट एडजस्टमेंट होगा तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस है, उसको हम क्या मानेंगे, प्रोविजन, और प्रोविजन को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में प्लस। हमने फॉर्मेट में समझा था प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, प्लस होता है, और क्लोजिंग बैलेंस को हम मानेंगे टैक्स पेड, और टैक्स पेड होता हो क्या होता है, ऑपरेटिंग में से माइनस। क्लियर है? और अगर इसके अंदर एडजस्टमेंट है तो हमको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर। और जैसे फिक्स एसेट के टाइम पे समझा था, एसेट का बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, विच बैलेंस, ओपनिंग, सो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग, ये हो गया उसका। इसमें दो ही ट्रांजेक्शन होंगे, टैक्स पेड एंड टैक्स प्रोविजन। टैक्स पे करूंगा तो एंट्री क्या होगी, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टैक्स अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक टैक्स पेड, और प्रोविजन की एंट्री होगी पीएनएल टू
प्रोविजन, तो प्रोविजन अकाउंट में क्या आएगा, क्रेडिट साइड बाय पीएनएल, पी एंड एल प्रोविजन। क्लियर है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की कभी कोई इफेक्ट होती नहीं है। क्लोजिंग पेड है वो कहां आ जाएगा, क्लोजिंग की जगह पे, भले इन शॉर्ट पेड की इफेक्ट क्या हो जाएगी, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में से क्या होता है, माइनस। और प्रोविजन कहां आ जाएगा, क्या होता है, ऑपरेटिंग में से प्लस। इज दैट क्लियर? श्योर? तो हमने पूरी बैलेंस शीट अच्छे से समझ लिया। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हो, नहीं एडजस्टमेंट हो, किसकी कहां पे क्या इफेक्ट आती है, क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो रहता है वो रहता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का। सो इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को समझने हैं। फर्स्ट, जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात आती है तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यह समझना है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये ऑपरेटिंग में क्या होता है, प्लस, और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, माइनस। पहले तो इसको रट लो, इंटरेस्ट या डिविडेंड क्वेश्चन में जब भी दिया है तो ऑपरेटिंग में क्या होता है, प्लस, फाइनेंसिंग में क्या होता है, माइनस। टैक्स, सॉरी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दोनों के लिए एक बेसिक फंडा है, क्लियर? ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। दूसरा रूल ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेट करने से पहले ये इश्यू और रिडेम्पशन वाला मैटर कंप्लीट कर देना है, कि उससे डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई डेट दी है क्वेश्चन में, उससे फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड पे, बट इश्यू और रिडेम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बिफोर वी कैलकुलेट इंटरेस्ट और डिविडेंड, दोनों को अलग अलग कर दो। पहले जो भी डेट दी है एडजस्टमेंट, उसको साइड पे रखो। पहले क्या निकाल लो, इश्यू किया है तो फाइनेंसिंग में प्लस, रिडीम किया तो फाइनेंसिंग में माइनस, फिर जाके चेक करो इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात। क्लियर है? सो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस। ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस, फाइनेंसिंग में क्या होगा, माइनस। नाउ यूजुअली डिविडेंड पे डेट का कोई असर नहीं होता है, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड टू द शेयर होल्डर्स वेन एवर कंपनी हैज गॉट द इनफ प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड का डेट के ऊपर कोई असर नहीं होगा ऑलवेज। अभी जो अमेंडमेंट बिल आ गया उसके बाद हमेशा प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है उसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्लस, फाइनेंसिंग माइनस। क्लियर है? मतलब इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड के लिए पहला स्लोगन मेरे लिए फिक्स है, ऑपरेटिंग प्लस, फाइनेंसिंग माइनस। डिविडेंड पे डेट का कोई असर नहीं होता है, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड दिया है उसको ऑपरेटिंग प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग माइनस। लास्ट पार्ट इज इंटरेस्ट, लास्ट पार्ट इज इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। बाय डिफॉल्ट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। और अगर कोई स्पेसिफिक डेट दी है तो वी नीड टू फॉलो दैट स्पेसिफिक डेट। ओपनिंग, क्लोजिंग, मिड ऑफ द ईयर, जो भी डेट दी है उस डेट के अकॉर्डिंगली अपने को क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग 1/4/18, 1/4/19, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। सो ये तो क्लियर पता चल रहा है, 1 लाख बढ़ा। सो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, फाइनेंसिंग में इश्यू, फाइनेंसिंग में प्लस कर दिया। अब ये जो 1 लाख इश्यू किया है और क्वेश्चन में बोला है 1 लाख इश्यूड ऑन 1/4/18, तो पूरे साल पर मेरे पास कितने शेयर या डिबेंचर थे, स्टार्टिंग में भले बैलेंस 1 लाख बट इसी डेट को 1 लाख और इश्यू किया, तो फुल ईयर मेरे पास कितने शेयर या डिबेंचर, 2 लाख, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2 लाख। सपोज क्वेश्चन में बोला है इट इज इश्यूड ऑन 1/4/19, तो पूरे साल पर मेरे पास कितने शेयर या डिबेंचर थे, 1 लाख, तो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द 1 लाख। एंड लास्ट एंड फाइनल बात,
क्वेश्चन में बोला इट इज इश्यूड ऑन 1/10/18। तो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा अपने को अप्लाई करना है 1/10/18, तो इसके ऊपर कितने महीने का आएगा, 6 महीने का, फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर एंड। उसके बाद डिबेंचर बढ़ गए तो 2 लाख पे कितना आएगा, 6 महीने का। और जो भी इंटरेस्ट आता है उसका स्लोगन क्या है, ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस। एंड हियर वी एंड द होल कैश फ्लो एक्सप्लेनेशन पार्ट।